सुरेश एक मजदूर है और कांताबाई भी घरों में काम करने जाती है। दोनों बच्चे के लिए ही बच्चे को अकेले घर पर छोड़कर जाते हैं। वह घर के बाहर ही मिट्टी में खेलता रहता है। एक दिन अमित को बुखार आ गया। कांताबाई काम पर जाने के लिए निकल रही होती है, लेकिन जैसे ही वह अपने बच्चे अमित को प्यार करने के लिए आगे बढ़ती है तो अमित का बदन जल रहा होता है। अरे, मेरे बेटे को तो बहुत तेज बुखार है, अब मैं काम पर कैसे जाऊं? लेकिन काम पर जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो मेम साहब बहुत गुस्सा होंगी। मैं बच्चे को दवाई देकर काम पर चली जाऊंगी, लेकिन मेम साहब ने बोला था कि आज काम पर आना बहुत जरूरी है, एक बार कॉल करके पूछ लेती हूँ। कांता मेम साहब को कॉल करती है। मेम साहब, मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, क्या मैं छुट्टी ले सकती हूँ? तुम छोटे लोग होते ही ऐसे हो, बस छुट्टी का बहाना चाहिए। देखो कांता, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुमको काम नहीं करना है तो मना कर दो, लेकिन रोज रोज ये ड्रामे मत किया करो। अगर नौकरी करनी है तो फटाफट काम पर आ जाओ, और नहीं करनी तो भी आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी दे देती हूँ। मेम साहब, हमें काम से मत निकालो, मैं अभी आ रही हूँ। कांताबाई बेटे की भूख के लिए ही बेटे को बुखार में तपता हुआ छोड़कर चली जाती है। कांताबाई काम पर जा चुकी है और तब मेम साहब उसके पास आती है। क्या सच में तेरे बेटे को कुछ हुआ है, या तेरा छुट्टी का मन था? मेम साहब, कोई भी माँ अपने बच्चे की बीमारी का झूठ नहीं बोलेगी, आप आज मुझे जल्दी छुट्टी दे देना। नहीं नहीं कांताबाई, आज किसी कीमत पर छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे बेटे रवि को जुकाम है, आज मैं उसका ध्यान रखूंगी और तुमको खाना बनाना होगा। मेम साहब, आज मेरी मजबूरी है, मैं यहाँ आ तो गई हूँ, लेकिन ना जाने मेरे बेटे की क्या हालत हो रही होगी। बस बस, अब रोना बंद करो और कपड़े धोना शुरू करो। कांताबाई आंखों में आंसू, मन में उदासी, चेहरे पर चिंता की लकीरें लिए हुए काम में लग जाती है। और दूसरी तरफ मेम साहब अपने बेटे रवि को गोद में लेकर सोफे पर बैठकर टीवी देख रही है। 18 साल बाद अमित और रवि दोनों बड़े हो गए, लेकिन जब भी अमित की माँ कांताबाई घरों में काम करने जाती तो अमित को बहुत बुरा लगता था। इसलिए अमित पढ़ाई के साथ साथ रात को एक क्लब रेस्टोरेंट में वेटर का काम करने लगा। एक रात को रवि अपने कुछ दोस्तों के साथ क्लब आया और उसने अमित को पहचान लिया। हे, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। जी सर। बस कर यार, इतनी भी फॉर्मेलिटी मत कर, मैंने तुझे पहचान लिया है। जी। अरे तू हमारी कामवाली का बेटा ही तो है, जिसको वर्षों से हमने नौकरी दी हुई है। वैसे तेरी माँ है बहुत मेहनती, सारा काम अच्छे से करती है, बर्तन कपड़े और फर्श तो ऐसे चमकाती है जैसे किसी नई दुल्हन का चेहरा चमकता हो। जी। चल कोई नहीं, अब तू वेटर बन गया है, लेकिन अगर कोई काम चाहिए तो मुझे बोल देना, मैं तेरी पूरी मदद करूँगा, आखिर तू मेरी नौकरानी का बेटा जो है। रवि अपने सभी दोस्तों के सामने अमित का खूब मजाक बनाता है, लेकिन अमित खामोश रहता है, क्योंकि रवि ने कुछ भी झूठ नहीं बोला, नौकरानी के बेटे को नौकरानी का बेटा ही तो बोला है। अमित ऐसे ही अपनी जॉब और स्टडी करता रहता है। रवि रोज रोज पार्टी करता है, ड्रिंक करता है और पढ़ता नहीं है। एक दिन उसकी मम्मी ने उसे अपने पास बैठाया और बात करने लगी। कांताबाई भी वही काम कर रही है। रवि, ऐसे कब तक चलेगा, तुम क्यों अपनी स्टडी पर ध्यान नहीं दे रहे हो? ओह मामा, आप फिर से शुरू हो गई, मैं अपनी स्टडी कर तो रहा हूँ। ऐसी कैसी स्टडी, तुम्हारे अंदर सारे बुरे गुण आ गए हैं। मामा, यू नो, हम रिच लोग हैं और ये सब शौक होते हैं, आप इनको ऐप मत कहो प्लीज। रवि, तुम अपनी माँ से बात कर रहे हो। हाँ जानता हूँ, इसीलिए तो बहुत तमीज से बात कर रहा हूँ, बाकी मैं किसी से इतने प्यार से बात नहीं करता। और हाँ, मैं अमीर बाप की औलाद हूँ, मैं किसी की नौकरी नहीं कर सकता हूँ, मैं अपना बिजनेस करूँगा, मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे दे दो। वो देख, कामवाली का बेटा खुद काम करता है और पढ़ता भी है, अपनी माँ का भी कितना ख्याल रखता है। माँ, इतना तो आपको पता होना चाहिए कि मैं किसी कामवाली का बेटा नहीं हूँ, अब ज्यादा देर मत करो और पैसे दे दो। रवि अपनी माँ से लड़ झगड़ कर पैसे लेने लगा और दूसरी तरफ अमित और कड़ी मेहनत करने लगा। नतीजा यह हुआ कि अमित ने अपना एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप किया, जो बाद में एक डिजिटल कंपनी में बदल गया।
अमित ने अपना अच्छा घर बना लिया और माँ के लिए घर नौकर रख दिए। वहीं दूसरी तरफ रवि ने कोई बिजनेस नहीं खोला। रवि, तेरी कंपनी कहाँ है? मुझे तूने आज तक कुछ दिखाया क्यों नहीं है? माँ, मुझे और पैसे चाहिए। मैं तुझे 50 लाख दे चुकी हूँ। माँ, जरूरत है, बैंक से लोन ले लो, नहीं तो पहले दिए गए पैसे भी खराब चले जाएंगे। माँ, एक काम करते हैं, घर पर लोन ले लेते हैं। रवि की माँ उसकी बातों में आ जाती है और घर पर लोन लेकर सारे पैसे रवि को दे देती है। कुछ दिन बाद उसकी माँ को पता चलता है कि रवि सट्टा खेलता है और उसने सब कुछ सट्टे में बर्बाद कर दिया। और अमित की अपनी एक कंपनी है, उसको अपनी पुरानी बात सोचकर बहुत अफसोस होता है। कांताबाई अपने बेटे के साथ रवि के घर आती है। नीम साहब, मैं आपको मिठाई खिलाने आई हूँ कि मेरे बेटे ने मेरे दिन बदल दिए। लेकिन नीम साहब, ये कहना है कि भगवान कभी किसी को घमंड न कराए, क्योंकि दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं। कांताबाई अपने बेटे के साथ कार में वापस चली जाती है और रवि और उसकी माँ की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। आस्था एक अमीर घर की लड़की थी। उसके पिता एक बिजनेसमैन थे जो अक्सर अपने बिजनेस में ही बिजी रहा करते थे। वहीं उसकी माँ रीना ब्यूटी पार्लर का काम करती थी। अक्सर अशोक और रीना घर से बाहर रहते थे और आस्था घर में अकेली रहती थी। आस्था घर में ही रहती थी। अशोक, रीना आस्था को वक्त नहीं दे पाते थे, इसलिए उसे महंगे महंगे खिलौने लाकर देते थे। माँ, मुझे एक महंगी ड्रेस चाहिए जो आपकी फ्रेंड अनीता की लड़की ने पहनी थी। आस्था, वो भी कोई ड्रेस थी? इतनी सस्ती? तुम देखना, मैं तुम्हें एक महंगी ड्रेस दिलवाऊंगी जिसे सब देखते रह जाएंगे। पर अभी मैं बिजी हूँ, मुझसे रात को बात करना। रात को आस्था अपने पापा के पास जाती है। पापा, देखो ना, आज मुझे टेस्ट में 100 में से 100 मिले। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जाओ अब जाकर सो जाओ, तुम्हें इसका गिफ्ट मिल जाएगा। पापा, एक बार आप मेरी कॉपी तो देख लो। इसमें देखना क्या है, तुम्हें टेस्ट में मिल गए हैं ना 100 में 100, ये काफी है। आस्था अपना मुंह बनाकर चल देती है। एक दिन की बात है जब आस्था को बुखार आ जाता है और वह मम्मी से कहती है, मम्मी आज आप छुट्टी कर लो ना, मुझे आपके साथ रहना है, मेरा मन नहीं है अकेले घर में रहने का। तुम्हें पता है ना, आजकल सीजन चल रहा है पार्टियों का, और अगर मैं छुट्टी ले लूंगी तो तुम्हें पता है कितना बड़ा लॉस हो जाएगा। मैं छुट्टी नहीं कर सकती, ये लो दवाई खाकर सो जाओ, और किचन में खाना रखा है खा लेना, आज मुझे आने में देर हो जाएगी। आस्था घर में एकदम अकेली रहती थी। आस्था के घर एक काम वाली आया करती थी, उसकी बेटी का नाम कविता था। कविता के माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। गरीब होने की वजह से उसकी हर इच्छा तो पूरी नहीं करते थे, पर उसकी जरूरत का सामान जुटाने की पूरी कोशिश करते थे। माँ, आज क्या बनाया है? बेटा, वही दाल रोटी बनाई है। माँ, आज दाल रोटी का मन नहीं है, आज कुछ अलग सा बना दो ना। ठीक है बेटा। सुशीला दाल के साथ रोटी ना बनाकर बाटी बना देती है और थोड़े से चावल से इडली बना देती है। वाह माँ, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है, तुम्हारे हाथों में तो जैसे जादू है। कुछ समय बाद आस्था और कविता का एक ही दिन जन्मदिन होता है। पिताजी, आप मुझे बर्थडे पर क्या गिफ्ट देंगे? कब है तेरा बर्थडे? पिताजी, आपको मेरा बर्थडे याद नहीं? याद तो था पर भूल गया। देखना, मैं तेरे बर्थडे पर महंगी सी कार गिफ्ट करूंगा तेरे लिए। आस्था खुश हो जाती है और अपनी मम्मी के पास जाती है और पूछती है, माँ अगले महीने मेरा बर्थडे है, आप मुझे क्या गिफ्ट दोगी? गिफ्ट? देखना, मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा गिफ्ट प्लान करूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। सच में माँ? आस्था, तुम देखना तुम्हारे लिए कितने महंगे महंगे गिफ्ट आएंगे, मैं तुम्हारी पार्टी में सारे अमीर लोगों को बुलाऊंगी। कविता और आस्था का जन्मदिन आता है। आस्था सुबह सुबह उठकर तैयार हो जाती है और महंगी ड्रेस पहनती है। देखती है कि कोई नहीं आया है तो वह अपने पापा को फोन करती है। हेलो, मेरी परी, हैप्पी बर्थडे। पिताजी, आप कहाँ हो? मैंने आपको पूरे घर में ढूंढ लिया।
बेटा मुझे एक जरूरी काम से शहर जाना पड़ रहा है, मैं एरोप्लेन में बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ। सुबह सुबह आप सोए हुए थे, इस वजह से मैंने आपको बर्थडे विश नहीं किया। मैं जल्दी से आपके पास आ जाऊंगा, ओके। जैसे ही वह फोन रखती है तो सामने उसकी चाची खड़ी होती है, एक महंगा तोहफा देकर कहती है, हैप्पी बर्थडे बेटा, तुम्हारी मम्मी नहीं है, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए दिया है और कहा है कि शाम को अमीर मेहमान आएंगे, उनके सामने अच्छे से तैयार होकर केक काट देना। पर मम्मी कहाँ है चाची? बेटा मम्मी को एक अर्जेंट बुकिंग पर जाना पड़ा, वो शाम को आ जाएंगी। आस्था उदास हो जाती है। वहीं दूसरी ओर कविता का जन्मदिन होता है, उसे उसके माता पिता विश करते हैं, उसकी मम्मी उसे तैयार करती है और वो अपने माता पिता के साथ मंदिर जाती है। वहाँ भगवान का आशीर्वाद लेकर कविता की मम्मी कविता को साथ लेकर आस्था के घर काम करने के लिए जाती है। वहाँ कविता आस्था के कमरे में जाती है जहाँ आस्था उदास बैठी होती है। क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? मैं तो तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आई थी, आज मेरा भी जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे कविता, हैप्पी बर्थडे टू यू टू। तुम उदास क्यों हो? आज मेरा बर्थडे है, मम्मी पापा ने मुझे महंगे महंगे गिफ्ट तो दे दिए, पर मेरे पास ना मम्मी है और ना ही पापा है। आज के दिन भी मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे आज के दिन मम्मी पापा के साथ रहना था, मम्मी पापा आज के दिन भी इतने बिजी हैं कि वो मेरा जन्मदिन तक भूल गए, इसलिए मैं आज उदास बैठी हूँ। और वो हमेशा बिजी रहते हैं, मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। इतनी सी बात, पर तुम इतनी उदास क्यों हो रही हो? कोई बात नहीं, तुम्हारे माता पिता को कोई जरूरी काम आ गया होगा ना, तभी तो वो तुम्हारे साथ नहीं है, उनका काम भी तो जरूरी है। तुम उदास मत हो, आज मेरा भी जन्मदिन है, मैं अपने माता पिता के साथ घूमने जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। आस्था जाने के लिए तैयार हो जाती है। कविता और आस्था कविता के माता पिता के साथ पहले मंदिर जाते हैं, फिर बाजार घूमते हैं, बहुत सी चीजें खाते हैं और फिर एक पार्क में जाते हैं जहाँ बहुत सारे फूल खिले होते हैं और तितलियाँ मंडरा रही होती हैं। दोनों मिलकर बहुत सी मस्ती करते हैं। कविता, तुमने आज मेरा जन्मदिन बहुत अच्छा मनाया, मैंने तो कभी ऐसा जन्मदिन मनाया ही नहीं, मैं तो सिर्फ घर में कीमती तोहफे और महंगे खाने से ही अपना जन्मदिन मनाती आई हूँ। अभी जन्मदिन मना ही कहाँ है, अभी तो केक काटना बाकी है। कविता आस्था को लेकर अपने घर जाती है जहाँ उसकी मम्मी ने बर्गर और मलाई से केक बनाया था और बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए थे, जिन्हें खाकर आस्था कहती है, तुम्हारी मम्मी ने तो सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है, ऐसा स्वाद तो इतने महंगे खाने में भी नहीं था। मैंने हमेशा महंगी महंगी चीजें देखी पर उनमें खुशी नहीं थी, पर आज तुमने सस्ती चीजों में इतनी खुशी दी है कि मैं अपना ये जन्मदिन कभी नहीं भूलूंगी। आस्था और कविता दोनों आपस में गले मिलते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब दोनों साथ साथ हर साल अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं। सुमित एक अमीर लड़का था, वह रोज स्कूल एक कार में आया करता था, उसको अपने अमीर होने पर घमंड था। वहीं दूसरी तरफ एक राजू नाम का लड़का था, वो गरीब था जो अपने पिता के साथ रिक्शे में आया करता था। सुमित हमेशा उस गरीब राजू को उसकी गरीबी के लिए चिढ़ाया करता था। राजू तुम कितने गरीब हो, तुम्हारे पास अच्छे कपड़े भी नहीं है, और मुझे देखो, मैं तो हमेशा गाड़ी में आता हूँ, तुम तो रिक्शे में आते हो जिसमें धूप भी लगती है, बारिश के टाइम पर तुम्हें कितनी परेशानी होती है, तुम तो बारिश में भीग भी जाते हो। कोई बात नहीं सुमित, हम गरीब ही सही, पर मुझे मेरा रिक्शा ही अच्छा लगता है। एक दिन सुमित अपने ड्राइवर से कहता है, ड्राइवर तुम अपनी गाड़ी को सही से नहीं रखते हो, देखो कितनी गंदी होती जा रही है, मैं तुम्हारी तनख्वाह काट लूंगा। नहीं साहब ऐसा मत करना, मैं कल इस गाड़ी को अच्छी तरह से साफ कर लूंगा। तभी रास्ते में उसे अपने एक क्लास का गरीब लड़का मिलता है। सुमित अगर तू स्कूल की तरफ जा रहा है तो रुक जा, मैं तेरे साथ चलता हूँ, दोनों ही साथ चलेंगे। सुमित बेमन से उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और स्कूल पहुँच जाता है। जब वह वापस आता है तो वह अपने ड्राइवर से कहता है, ड्राइवर मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरी गाड़ी में आकर बैठे, वो मेरे लेवल का नहीं है, उसके पापा मेरे पापा के बराबर के बिजनेसमैन नहीं है, इसीलिए तुम इसे घर जाकर अच्छी तरह से साफ कर लेना और ये सीट भी बदल देना,
पता नहीं इतने छोटे लोग मेरी सीट पर कैसे बैठ जाते हैं। ठीक है मालिक। वह गाड़ी को ठीक कर लेता है और साफ भी करवा देता है। घर जाकर सुमित अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी आज वो नरेश मिला था, जबरदस्ती मेरी गाड़ी में बैठ गया। मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैंने गाड़ी की सीट ही बदलवा दी। तुमने तो ये बहुत अच्छा किया, इन लोगों से दूरी बनाकर ही रखा करो, वो हमारे लेवल के नहीं है। वहीं दूसरी ओर राजू अपने घर में अपने पापा से कहता है, पापा आप हमारे लिए कितना काम करते हो, हमें पढ़ाते लिखाते हो, स्कूल भेजते हो। हाँ बेटा, ये सब हम तुम्हारे लिए ही तो करते हैं। तुम पढ़ लिख जाओगे, एक अच्छे इंसान बन जाओगे, पर कभी भी अपने अंदर घमंड मत आने देना। हमें दूसरों की मदद करना, यही सच्ची इंसानियत है। पर पापा, कुछ लोग तो इतने अमीर होते हैं कि उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होती। हाँ, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होती, पर उन्हें उस चीज की कदर भी नहीं होती। एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब, हमें सबकी मदद करनी चाहिए। मदद करते वक्त ये नहीं देखना चाहिए कि वो अमीर है या गरीब। ठीक है पापा, मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखूंगा। एक बार सुमित अपनी मोटर कार में स्कूल जा रहा था, तभी राजू भी अपने रिक्शे में स्कूल जा रहा था। सुमित को राजू को देखकर गुस्सा आया कि एक गरीब लड़का उसके बराबर में चल रहा है। सुमित ने अपने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर जरा गाड़ी तेज चलाओ, और तेज चलाओ। ड्राइवर गाड़ी की स्पीड बहुत तेज कर देता है, तभी गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं और वह एक पेड़ से टकरा जाती है। सुमित को चोट लगती है और उसके सिर से बहुत खून बहने लग जाता है। तभी राजू घटनास्थल पर अपने रिक्शे द्वारा पहुंच जाता है। सुमित, सुमित उठो, ये क्या हो गया? अरे तुम्हारे सिर से तो खून निकल रहा है। राजू मुझे बचा लो। राजू ड्राइवर के साथ सुमित को उठाता है और अपनी रिक्शा में बैठाता है और उसे फौरन अस्पताल पहुंचाता है। राजू डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब सुमित को बचा लो, इसके सर पर चोट लगी है। अरे ये तो एक्सीडेंट केस है, पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। पर तुम कौन हो? डॉक्टर साहब मैं उसका भाई हूँ, इसका एक्सीडेंट हो गया था, पुलिस को बाद में इन्फॉर्म करना, पहले आप इसका इलाज करिए, पुलिस को मैं सब कुछ बता दूंगा। नहीं, मैं पुलिस को इन्फॉर्म किए बिना इलाज नहीं कर सकता। एक मरीज दर्द से तड़प रहा है और तुम्हें पुलिस की पड़ी है, अगर इसको कुछ हो गया तो पुलिस उसको वापस ला सकेगी। मैं पूछता हूँ, एक डॉक्टर होने का क्या फर्ज है? पुलिस अपना फर्ज तो बाद में भी निभा सकती है, आप अपना फर्ज निभाइए। डॉक्टर राजू की बात सुनकर सुमित का इलाज करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी ओर राजू सुमित के घर फोन पर उसके एक्सीडेंट की बात बता देता है, जिसकी वजह से सुमित के घर वाले हॉस्पिटल आ जाते हैं। सुमित को कुछ घंटे बाद होश आ जाता है। बेटा कैसा है तू? अब कैसा महसूस हो रहा है? तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? शायद इस छोटे लड़के राजू के कारण हुआ होगा, ये छोटे लोग होते ही ऐसे हैं। इसने गाड़ी देखी होगी और अपनी हरकत शुरू कर दी होगी। नहीं माँ, आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ राजू के कारण, अगर ये ना होता तो मैं वहाँ पर खून में लथपथ पड़ा हुआ होता। इसने अपने रिक्शे में मुझे समय पर अस्पताल पहुँचाया और मेरी जान बचाई, यहाँ तक कि ये मेरे लिए डॉक्टर से भी लड़ पड़ा। राजू मुझे माफ कर दो, मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें बहुत कुछ कहा, आज मेरे बेटे की जान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से बची है। तुमने अमीरी गरीबी का रिश्ता ना रखकर एक इंसानियत का रिश्ता रखा और मैंने हमेशा अमीरी गरीबी का रिश्ता रखा, मुझे माफ कर दो राजू। हाँ राजू, हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है, हमेशा हमने तुम्हारे सामने तुम्हारी गरीबी का एहसास दिलाया और अपनी अमीरी का घमंड किया, आज हमें अपनी गलती का एहसास है। मैं समझ चुका हूँ कि अमीरी गरीबी से बड़ी इंसानियत होती है, तुमने इंसानियत के नाते मेरी जान बचाई, तुम चाहते तो मेरे द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के कारण मेरी जान भी ना बचाते और मुझे ऐसे ही छोड़कर चले जाते। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राजू। धन्यवाद की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था, मेरे बाबा ने मुझे हमेशा दूसरों की मदद करना सिखाया है, अमीरी गरीबी नहीं सिखाई। अमीरी गरीबी तो अपने नसीब से होती है, पर इंसानियत हर इंसान के अंदर होनी चाहिए, इंसानियत के बलबूते पर ही इंसान बड़ा और छोटा होता है। अब राजू और सुमित बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, एक साथ स्कूल जाते और एक साथ ही रहा करते थे। अब उन दोनों के बीच में अमीरी गरीबी का भेद नहीं था, वो अमीरी गरीबी भूलकर दोस्ती का रिश्ता रखते थे। महाराष्ट्र के विदर्भ जिले में कृष्णा नाम का किसान था।
जो धान की खेती करता था। विदर्भ हमेशा से ही अकाल ग्रस्त रहता आया है और इस साल भी बारिश का नामो निशान नहीं था। ऐसे ही चलता रहेगा तो हमारे जैसे गरीब किसानों के पास आत्महत्या करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचेगा। अरे धनी, ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकाला करो। हे भगवान। उमा, तू ही बता, मैं करूं तो क्या करूं? पूरी मेहनत से खेत में काम करता हूं और फिर भी अकाल के कारण अनाज नहीं हो पाता। मेरा तो जीना ही बेकार है। अपने परिवार का पेट तक नहीं भर सकता हूं मैं। मेरा तो मर जाना ही अच्छा है। धनी, ऐसी बेफजूल की सोच अपने दिमाग में मत लाओ। कुछ ना कुछ रास्ता जरूर होगा। अब क्या हम लोग लोगों के घर जाकर काम करें? बाबा, मेरे पास एक रास्ता है। कैसा रास्ता? माँ, तुम्हारे पापड़ गांव में सबको पसंद आते हैं, है ना? हाँ, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर पापड़ बनाएं और बेचें? इससे हमें कुछ पैसे भी जरूर मिल जाएंगे और बाबा की मदद भी हो जाएगी। ये मुझे पहले क्यों नहीं सूझा? इसका मतलब तू पापड़ बनाकर बेचेगी? किसी के घर में जाकर काम करने से तो अच्छा ही है ना? कृष्णा उमा की बात मान गया। अगले दिन से उमा और कमला ने घर में पापड़ बनाना शुरू कर दिया। सारे पापड़ बनाकर उन्होंने कृष्णा को दिया। जाकर इसे बाजार में बेच दो। कृष्णा उन पापड़ों की टोकरी लेकर बाजार गया। वहां वो पापड़ बेचने लगा। कुछ औरतों ने कृष्णा के पापड़ खरीदे। अब ये बाकी के पापड़ कल बेचूंगा। वो जब घर लौटा तो खुश था। लगभग सारे पापड़ बिक गए। भगवान की कृपा है। बाकी जो बचे हैं वो मैं कल बेच दूंगा। अगले दिन जब कृष्णा पापड़ लेकर बाजार गया तो उसके आते ही भीड़ लग गई। भाई, आपके पापड़ तो कमाल हैं। कल मैं थोड़े लेकर गई थी, सभी ने चाव से खाए, आज मुझे ज्यादा चाहिए। और देखते ही देखते कृष्णा के सारे पापड़ बिक गए। उसने घर पहुंचकर अपनी पत्नी को ये सब बताया। तेरे पापड़ ने तो धूम मचा दी है। ऐसा ही चलता रहा तो कमला जल्दी स्कूल जा पाएगी। उमा ने भगवान को धन्यवाद किया। और हाँ, आज से ज्यादा पापड़ बनाना। कुछ ग्राहकों को खाली हाथ वापस जाना पड़ा था। अब से माँ बेटी दिन भर पापड़ बनाया करती थी। जैसे ही ये पापड़ लेकर कृष्णा बाजार जाता, झटपट सारे पापड़ बिक जाते। एक दिन कृष्णा के ये पापड़ एक सेठ ने खरीदे। अगले दिन वो सेठ कृष्णा को ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुँच गया। भाई, कल मैंने तुमसे पापड़ खरीदे थे, वाह क्या स्वाद था उनका। धन्यवाद सेठ जी। मेरी कई दुकानें हैं शहर में, क्या तुम मुझे पापड़ सप्लाई कर सकते हो? पर सेठ जी, अभी तो हमारा व्यापार बहुत छोटा है, मेरी पत्नी और बेटी ही पापड़ बनाती हैं। तो क्या हुआ, ये पैसे रखो और कुछ औरतों को भी काम पर रख लो। सेठ का ऑर्डर और पैसे मिलते ही उमा ने और कई औरतों को काम पर रख लिया। उन सभी की दैनिक स्थिति उमा की तरह ही थी। दीदी, आप नहीं होती तो आज मेरे बच्चे भूखे ही सो जाते। इस अकाल ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। जिन गरीब औरतों को उमा और कृष्णा ने काम दिया था, वो सभी उन्हें दुआ दे रहे थे। कृष्णा और उमा ने कई गरीब औरतों और किसानों को काम दिया, जिससे उनके परिवार का गुजारा होने लगा। अब कृष्णा को पापड़ बेचने बाजार नहीं जाना पड़ता था और कमला स्कूल भी जाती थी। कृष्णा और उमा दोनों अपने व्यापार को बढ़ाने में जुट गए। शायद इन गरीब किसानों की दुआ ही थी जो देखते देखते उमा और कृष्णा का ये व्यापार बड़ा हुआ। और अब उनकी एक फैक्ट्री थी जहाँ काफी औरतें काम किया करती थी। उमा को अपनी सफलता के लिए एक बड़ा सम्मानित अवार्ड भी मिला। आपने कई किसानों के परिवारों को बचाया है, आप लोगों को क्या कहना चाहेंगी? मुश्किल हालात जिंदगी में आते रहते हैं, मुश्किलों का सामना करना ही जिंदगी है। तो आपने देखा, उमा जी का कहना है कि उनकी इस सफलता का राज है मुश्किल हालातों का डटकर सामना करना।
अगर उस दिन कृष्णा और उमा अपनी परेशानी के सामने हार मान लेते तो आज वो किसी और की मदद ना कर पाते। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जो भी हो, हमें हमेशा लड़ते रहना चाहिए। मिताली, ये देखो, दूध की मलाई को ऐसे अच्छे से पकाकर उससे शुद्ध देसी घी बनाया जाता है। ठीक है दादी माँ। आचार बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम आम को बहुत अच्छे से सुखाएं। क्यों दादी माँ? क्योंकि अगर आम में थोड़ी भी नमी रह गई, तो मसाले मिलाने के बाद स्वाद अच्छा नहीं होता। ठीक है दादी माँ, मैं समझ गई। इसी तरह मिताली अपनी दादी माँ से कई चीजें बनाना सीखा करती थी। मिताली को खाना बनाना बहुत पसंद था। समय बीतता गया और अब मिताली एक बहुत खूबसूरत युवती बन चुकी थी। दादी माँ ने मिताली की शादी एक बहुत ही होनहार युवक महेश से कर दी। मिताली और महेश एक साथ बहुत खुश थे। एक साल बाद मिताली और महेश को दो जुड़वां बच्चे हुए, जिनका नाम उन्होंने आलोक और आदित्य रखा। दोनों की अच्छी कट रही थी। महेश अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभा रहा था। कुछ समय बाद मिताली की दादी माँ नहीं रही। उसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। अब इस दुनिया में मिताली के अपने सिर्फ तीन लोग थे, महेश और उसके दो बच्चे। मिताली ने अपने आप को संभाला और फिर अपने पति और बच्चों की परवरिश में उलझ गई। लेकिन शायद भगवान ने ही मिताली के जीवन में बहुत कम खुशियां लिखी थीं। महेश का एक घातक एक्सीडेंट हुआ, जिससे उसने बिस्तर पकड़ लिया। मिताली को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने आप को और अपने बच्चों को संभाले। कुछ ही दिनों में उनके खाने के लाले हो गए। उनके पास दवाइयों के भी पैसे नहीं थे। और फिर एक दिन महेश ने भी अपना देह त्याग दिया। महेश की मृत्यु से मिताली पर जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। महेश घर का अकेला कमाने वाला था, जिसके जाने से घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। मिताली ने कभी भी काम नहीं किया था, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अगर अब मैं नहीं कमाऊंगी तो मेरे दोनों बच्चे भूख से मर जाएंगे। मुझे कमाना ही होगा, लेकिन मैं कैसे कमाऊंगी? मुझे तो कोई काम भी नहीं आता, ना ही मैं पढ़ी लिखी हूँ। मिताली इसी सोच में डूबी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक उसकी नजर घर में पड़े मर्तबान पे पड़ी। आचार, हाँ, मैं आचार बना के बेच सकती हूँ। मिताली ने आचार बनाना शुरू किया और जब उसका आचार बन गया, मिताली ने आचार को एक बड़े से मर्तबान में भर दिया। ये आचार मिताली बाजार ले गई। वहां चिल्ला चिल्ला कर मिताली ने आचार बेचा। कई लोगों ने मिताली से आचार खरीदा और जब शाम हुई तो मिताली अपनी पहली कमाई देखकर बहुत खुश हुई। उन पैसों से मिताली ने और आम खरीदे और अपने दोनों बच्चों के लिए कुछ खाने की चीजें भी। अगले दिन मिताली ने फिर आचार बनाया और फिर बाजार जाकर उसे बेचा। कुछ ही दिनों में मिताली का आचार पूरे शहर में चर्चा का विषय हो गया था और अब मिताली के आचार के लिए लोग कतार लगाया करते थे। मिताली खुश थी क्योंकि उसे जरूरत से ज्यादा पैसे मिल रहे थे।
और उसके दोनों बच्चों का पालन पोषण बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा था। कुछ वर्षों में मिताली के दोनों बेटे बड़े हो गए और अब वो दोनों बड़े स्कूल में पढ़ने जाया करते। मिताली ने आचार बना बना कर एक बड़ा घर बना लिया था और अब मिताली ने बाजार में एक बड़ी दुकान भी खरीद ली थी। अब वो आचार के साथ साथ अन्य कई चीजें भी बेचा करती थी। मिताली ने अपनी सहायता के लिए कई औरतों को काम पर रखा। इससे उन बेरोजगार गांव की गरीब औरतों को काम मिल गया और उनका भी जीवन बेहतर होने लगा था और मिताली दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रही थी। मिताली ने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का भी सहारा लिया। उसका छोटा सा व्यवसाय अब एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बन चुकी थी और उसकी बाजार की वो दुकान एक 4 मंजिला कंपनी बन चुकी थी। मिताली एक अनपढ़ गरीब विधवा से अब एक बड़ी कंपनी की मालकिन बन चुकी थी। और अब जब रिपोर्टर ने उन्हें पूछा, आचार से आपने इतनी बड़ी कंपनी का सफर तय किया, मैडम क्या आप बता सकती हैं कि इसकी मुख्य प्रेरणा क्या थी? जरूरत। अगर मुझे कमाने की जरूरत नहीं होती तो ना मैं आचार बनाती और ना ही यह व्यापार बनता। मिताली मैडम, आपको अपनी इस साहस के लिए सलाम और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका ये व्यापार बहुत ही जल्द अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बने। तो मैडम, आपकी इस पूरी कहानी की सीख ये है कि कामयाब बनने के लिए लगातार मेहनत करने की ही जरूरत है।